गाइस आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मिस्ट्री शॉप इवेंट के बारे में। तो हमारे इंडियन सर्वर के लिए मिस्ट्री शॉप कन्फर्म हो चुका है कि आएगा, और मिस्ट्री शॉप इवेंट आने के बाद क्या उसके अंदर इलाइट पास रहेगा, और इलाइट पास के साथ साथ हाइपर बुक के क्रेट, इवो गन के क्रेट, इमोट, ग्लूअल के स्किन, क्या ये सब भी हम सभी को मिस्ट्री शॉप इवेंट के अंदर देखने को मिलेगा या नहीं। तो मिस्ट्री शॉप इवेंट के बारे में फुल डिटेल्स में बताने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके और भी सेट कर देना हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। सबसे पहले आपसे मिस्ट्री शॉप इवेंट का रिव्यू करा देता हूँ, फिर आपसे बताऊंगा कि ये कब आएगा और कौन सी डेट में आएगा। तो देखो आप लोग अभी आके हमारे गेम के अंदर आके चेक कर सकते हो, यहाँ पर 5th एनिवर्सरी का आइकन है, पिंक डायमंड का आइकन है और मिस्ट्री शॉप इवेंट का आइकन नहीं है। तो एडवांस में आप लोग देख सकते हो 5th एनिवर्सरी का आइकन है, पिंक डायमंड का आइकन है और मिस्ट्री शॉप इवेंट का आइकन है। चलो इसके अंदर चलते हैं, इसके अंदर जाने के बाद आपका लक टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग का लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सभी को कितना परसेंट ऑफ मिलेगा, उसके बाद आप लोग एंट्री कर सकते हो, ठीक है। तो एंट्री करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो काफी सारे आइटम है, जो फर्स्ट में निकल के आ रहा है हमारे फीमेल का बंडल। तो ये बंडल देख सकते हो काफी सही है बंडल, और ये 5th एनिवर्सरी के थीम पे ही है। इसका हेयर मेरे को ज्यादा सही लगा, जेंट्स के जैसा हेयर है और टॉप भी थोड़ा ठीक ठाक है, लेडीज को तो ये बंडल काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। और बाकी के रिवार्ड आप लोग देख सकते हो हमारे इंडियन सर्वर के अंदर आने के बाद थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे आने के बाद हाइपर बुक का क्रेट है। यार इसके वेट में काफी सारे बंदे वेट कर रहे हैं कि क्रेट में कब डिस्काउंट देखने को मिलेगा, मतलब कि मिस्ट्री शॉप इवेंट के अंदर हाइपर बुक का क्रेट आएगा या नहीं। तो देखो मैं आपको बता दूं, मिस्ट्री शॉप इवेंट के अंदर हाइपर बुक का क्रेट आएगा, ये भी काफी सारे चांसेस है, और इसके साथ साथ इवो गन के भी क्रेट आएगा। तो आप लोग देख सकते हो, तो इससे कुछ नहीं होगा, चाहे कोई भी डिस्काउंट इवेंट हो जिसके अंदर इलाइट पास ना हो तो वो डिस्काउंट इवेंट डब्बा है, मतलब कि वो डिस्काउंट इवेंट किसी काम का नहीं है। तो बाहर के सर्वर में तो इलाइट पास आ चुका है, बट हमारे इंडियन सर्वर का क्या सीन है आगे चलकर उसे बता दूंगा। तो पहले आप लोग ये मेल का बंडल देख लो, तो ये मेल का बंडल भी काफी सही है, 5th एनिवर्सरी के थीम पे ही है, और हेयर भाई देख सकते हो काफी सही हेयर है। यार ऐसा हेयर कट करके आना मेरी मम्मी मेरे को बहुत मारेगी, घर से निकाल देगी। आपने स्टाइलिश हेयर कट करने की वजह से घर में डांट पड़ी है नहीं, मेरे को कमेंट करके बताना है। यार आप लोग का मन में क्वेश्चन आ रहा है कि ये हमसे कैसे कैसे कमेंट करने को बोल रहा है, बट गाइस देखो गेम का कमेंट करना अच्छा नहीं लगता, मजा भी नहीं आता। अदर्स कोई कमेंट जैसे कि घर की बातें, बाहर की बातें, ऐसा कमेंट्स पढ़ने में मजा आता है, तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता देना। और हाँ ये जो आप बंडल देख रहे हो, तो ये भी बंडल काफी सही है, और इसका टब भी काफी सही है, मस्त सा बंडल है ये, मेरे को तो ये बंडल काफी ज्यादा सही लगा। आपको कैसा लगा आप लोग मेरे को कमेंट करके नहीं बताना है, क्योंकि आप सभी को ऑलरेडी कमेंट करने के लिए बोल दिया है। और हाँ गाइस ये मिस्ट्री शॉप इवेंट के अंदर से सस्ते में इमोट मिल सकता है, ग्लूअल के स्किन मिल सकता है, कैरेक्टर मिल सकता है और कैरेक्टर का बंडल भी मिल सकता है। तो जितना भी आइटम दे दे यार, लेकिन मिस्ट्री शॉप इवेंट के अंदर इलाइट पास ना हो तो मिस्ट्री शॉप इवेंट किसी काम का नहीं है, ऐसा मेरा कहना है। तो आपका क्या कहना है आप लोग मेरे को कमेंट करके चाहे तो बता सकते हो। तो मिस्ट्री शॉप का मैंने आप सभी को रिव्यू करा दिया, और अब हम बात कर लेते कि मिस्ट्री शॉप इवेंट के अंदर से इलाइट पास डिस्काउंट में देखने को मिलेगा या फिर नहीं, और देखने को मिला तो कब तक देखने को मिलेगा, और इसका डेट क्या होगा। तो डेट की बात करें तो हमसे को 24 अगस्त या फिर 27 अगस्त, तो ये दो डेट में आपसे कोई से एक डेट पर देखने को मिल जाएगा। बट अगर हमसे को मिस्ट्री शॉप इवेंट 24 अगस्त को देखने को मिलता है ना, तो उसके अंदर इलाइट पास रहेगा। अगर 27 अगस्त को देखने को मिलता है ना, तो उसके अंदर इलाइट पास नहीं होगा, क्योंकि देखो मैं आपको बता दूं 27 अगस्त से जस्टिन बीबर का इवेंट है, और 27 अगस्त से पीछे जितना भी इवेंट है सब 5th एनिवर्सरी का इवेंट है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इलाइट पास के अंदर जो बंडल है मेल और फीमेल का, तो ये बंडल भी एनिवर्सरी के थीम पे ही है, और देखो मेल और फीमेल का बंडल एनिवर्सरी के थीम पे है, मतलब कि मेरे को क्या लगता है ना, ये मिस्ट्री शॉप इवेंट ना एनिवर्सरी के थीम पे ही है, ना ही जस्टिन बीबर के थीम पे। तो जस्टिन बीबर के ऊपर मिस्ट्री शॉप देखने को मिलता ना, तो मिस्ट्री शॉप के अंदर जस्टिन बीबर की आइटम रहते, बट ऐसा नहीं है, मिस्ट्री शॉप के अंदर 5th एनिवर्सरी का आइटम सब है। तो इसका मतलब ये हो कि हम सभी को 5th एनिवर्सरी के अंदर डिस्काउंट इवेंट देखने को मिलेगा, यानी मिस्ट्री शॉप इवेंट, और उस इवेंट के अंदर हम सभी को इलाइट पास देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले 4 साल के अंदर एनिवर्सरी के टाइम पे जितना भी डिस्काउंट इवेंट आया उसमें से मिस्ट्री शॉप देखने को मिला है। तो ये 5th एनिवर्सरी है, कोई छोटा मोटा एनिवर्सरी नहीं है, इसके अंदर मिस्ट्री शॉप आएगा और मिस्ट्री शॉप के अंदर इलाइट पास देखने को मिलेगा, ये तो अभी के लिए कंफर्म है। अगर आगे जाके कुछ चेंज होता है तो मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद तो लाइक कर देना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।